अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हाँ तुहाड़ा वीर राणा गुलाम दस्तगीर। अज का विलॉग कोई इतना खास तो नहीं है, एक राह जाता वीडियो है, ट्रैवलिंग वीडियो। मैं किसी जगह जा रहा सी, अपने चढ़ते पंजाब वाले दोस्तों नूं दसदा चला। मैं पिंड फिलो की कलां नौखर मंडी तहसील नौशहरा वीरकां की तरफ जा रहा सी। तो मेरे ज़हन च आया कि मैं क्यों ना चढ़ते पंजाब वाले दोस्तों नूं, जिहड़ियां फैमिलियां इधरों माइग्रेट करके चढ़ते पंजाब चली गई, लेंदे पंजाब तो, उन्हां नूं ये इलाका याद करवाया जाए। मैं कलासके तो वीडियो स्टार्ट की अलीपुर चट्ठा रोड तो, और उत्थों जिस तरह असी बाज़ार चो निकले तो पहला पिंड आ गया कोट बंगश। कोट बंगश तो असी गुजरते हुए कोट जहांगीर पहुँचे। यह जिहड़ा पिंड अगे असी है रस्ता जा रहा है, ये अगे पिंड आ जाएगा भोमा बाठ। भोमा बाठ बड़ा एक तारीखी पिंड है और यह इलाका बड़ा सरसब्जो शादाब है। और ये पूरी एक बेल्ट सी सिख कम्यूनिटी की, साड़ी वजीराबाद तो लैके कलासके चट्ठा चुके अलीपुर हुण तहसील बनी है। और कलासके जिहड़ा तहसील वजीराबाद का हिस्सा है, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला का। सो यह जिहड़ी रोड तो मैं जा रहा, एक कलासके तो बताला झंडा सिंह रोड जाती है। उस दौर एक कच्चे रस्ते से पार्टीशन ले, हुण बड़ा अच्छा डिवेलप्ड एरिया है और ये बड़ी प्यारी कारपेटेड रोड है। साइडा ते दरख्त, ग्रीनरी, बड़ा मज़े वाला इलाका है। सरसब्जो शादाब जिहड़े खेत ने इत्थों दे, और बड़ी आला और जरखेज़ जमीन है जिन्हों के उपजाऊ जमीन कहिंदे हो। इस इलाके नाल साढ़े बड़े दोस्तों की यादा वाबस्ता ने। यह आ गया जनाब भोमा बाठ पिंड। भोमा बाठ की तारीख मैं इतनी कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन चंद एक गल्लां मेरे नॉलेज चो गुजरियाँ। भोमा बाठ के लोग इस वेले तकरीबन कुछ हुशियारपुर बैठे ने, और कुछ लोग भोमा बाठ के इस एरिए तहसील थनेसर हरियाणा च बैठे ने, कुरुकुशेत्र डिस्ट्रिक्ट। यह जी भोमा बाठ पिंड है और बड़ा तारीखी पिंड है। मैं भोमा बाठ की फिरनी तो जाने की बजाए मैं क्या कि क्यों ना दोस्तों यदा पुराना बाज़ार दिखाया जाए। यह अज भी पुरानी इमारतं और यह पुरानी इटा लगिया हुई ने मेरी साइड पर, और बड़ा ज़बरदस्त एरिया हैगा ये। और भोमा बाठ और इस एरिए लोग अज भी मुहब्बत करने वाले लोग ने। भोमा बाठ का मेन बाज़ार जिहड़ा किसी दौरे हुंदा सी, इत्थों निकलदे होया मैं फिर भोमा बाठ की बाहर वाली फिरनी तो जाके निकलांगा, यानी जिन्हों सादा लफ्जां च बाईपास भी कहा जाता। और इत्थों अगे मैं गुजरदिया होया बताला झंडा सिंह पहुँचागा। बताला झंडा सिंह जिहड़ा हैगा ये भी एक अपनी मिसाल आप है। हुण तां ये पिंड पिंड नहीं रहे, बड़े बड़े कस्बे हो गए, इन्हां दी पापूलेशन बहुत ज़्यादा वध गई है। और सुनदे सी कि जदों पार्टीशन होई उजाड़े पए कि लोगों ने किस तरह अपने पिंड अपने इलाके छड़े। ए भोमा बाठ दी बाहर वाले पासे बनी हुई बड़ी आलीशान इमारत, बड़ा अच्छा किसी ने अपना घर बनाया है। इस तो अगे असी निकलांगे तो मेरे राइट साइड ते दरबार आ जाएगा, पीर सैयद मुख्तार हुसैन शाह। अगर और ये बड़ा पुराना दरबार है। यह मेरे राइट साइड ते जिहड़ा दरबार है जी, और ये नाल मुतसिल कब्रस्तान है। दरबार है साईं मुख्तार शाह साहब का, और यह मेरे नाल नाल है कब्रस्तान की जगह है, कब्रस्तान है पिंड भोमा बाठ का। और अगे असी निकलांगे इत्थों, असी जा रहे हैं बताला झंडा सिंह की तरफ। बताला झंडा सिंह जिहड़ा है ये सरदार झंडा सिंह का पिंड सी। वो फैमिली अज कैनेडा च बैठी है, अब्रॉड च बैठी है, और इत्थे उन्हां दे अगली नस्ल दे लोग वो दो तीन विजिट भी कर गए बताला झंडा सिंह का। ये आ गया जनाब
ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਈਨਬੋਰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਬਤਾਲੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਤਾਲਾ ਇੰਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਤਾਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਬਤਾਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕੋਸਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੌਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਨ ਚੌਕ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਥੇੜੀ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਲੀਪੁਰ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰੋਡ ਪਪਨਾਖਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ। ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਲੈਫਟ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਲਾਸ ਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੀਸਰੀ ਇੱਥੋਂ ਰੋਡ ਜਾਏਗੀ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਬ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਫਿਰਨੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ 10 to 11,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਸਿਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ CUC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੋਈ 20 to 25,000 ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਨ ਚੌਕ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਰੋਡ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਨ ਚੌਕ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਰੋਡ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਕ ਕੈਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੁਲ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਲ ਦੇ ਲੈਫਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਪਨਾਖਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੋਡ ਚਲੀ ਗਈ ਪੀੜੀਸ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨ, ਬਲੌਲ ਚੱਕ, ਪੀੜੀਸ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨ, ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰੋਡ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ
चक चौधरी, बिलोल चक, पीड़िशा रहमान और तुम उत्से लगले पिंडा नू। और अगे ऐसे निकले बतालक चंडा सिंह तो। सनसेट हो रहा, शाम का एक खूबसूरत मंजर, सूरज डुब रहा है अपने गरूब की तरफ जा रहा है, जिन्हों असी पंजाबी कह दें सूरज डुबना। और यह जी रोड है जी, एक किस दौरे गुजरांवाला तो मेन रोड आती सी, पपनाखा वड़ाइच तो, गुजरांवाला तो पपनाखा वड़ाइच, पपनाखा वड़ाइच तो यह रोड आती होंगी सी बताला चंडा सिंह। और ये रोड कह लो कि हाफजाबाद, अलीपुर चट्ठा और इन्हां इलाकों आपस में मिलांदी होंगी सी गुजरांवाला दे नाल। हुण तां बड़ियां रोडां बन गईआं, एक रोड डायरैक्ट गुजरांवाला टू हाफजाबाद, एक डायरैक्ट गुजरांवाला टू अलीपुर चट्ठा। ये पुरानी रोड है जिन्हों के एक अरसे बाद दोबारा डिवेलप किया गया, दोबारा तामीर किया गया। और ये बड़ी बड़ी बेहतरीन और कमाल रोड है जी। दोस्तों, शाम का बड़ा खूबसूरत हसीन नज़ारा, सूरज अपनी आबोताब तो बाद अपनी आखिरी मंजिल की तरफ रवान दवा। और बड़ा प्यारा ही मंजर है। जेड़े लोग इतों माइग्रेट करके चले गए, उन्हां दियां पुरखां दियां यादां अज भी इस इलाके नाल जुड़ियां हुई ने। और मेरा मानना है कि जेड़ा बंदा एक दफ़ा अपनी जिंदगी च अपने पुरखियां दी धरती नूं चुम लवे, वो बड़ा किस्मत वाला बंदा है। ये असी आ गए जी हुण पिंड चंदा कोट, बताला चंडा सिंह तो बाद असी लैफ्ट टर्न ले लिया पिंड चंदे कोट दी तरफ। चंदा कोट सेखू जट्टां दा पिंड है और है तो यह छोटा जिहा पिंड, लेकिन इन्हां पिंडां दियां भी एक अपनी तारीख है। यह किसान जा रहा साडा एक रस्से जो गुजरे, इस सामने दो बड़े नन्ने मुन्ने प्यारे बच्चे। और तुसीं यह देखो कि सानू यह नज़ारे बड़े मुश्किल नाल मुयसर ने अज दे दौर च। यह मेरी बेटी है नाल, अफीफा राणा, और असी इंजॉय करते जा रहे हैं बाप बेटी दोनों। मेरे साइड ते लहला हाथी फसल, सरसब्ज फसल है। सामने ट्यूबवैल आ गया जनाब, कोई अपनी मझां नुआ रहा। तो ये नज़ारे देखने वाले होंगे ने। और ये असी राइट टर्न ले लिया पिंड दे अंदर। चंदा कोट पिंड है जी, सामने सेखू जट्टा का पिंड है। इतों भी काफ़ी फैमलियां माइग्रेट करके गई चढ़ते पंजाब वल। और ये
दो पिंड ने जी नाल नाल बिल्कुल, एक चंदा कोट दूसरा जीवा कोट। मेरे सुनन अंदर जिहड़ी गल आई है कि दो भरावां दे आबाद कीते हुए पिंड सन, एक चंदा कोट ते दूसरा जीवा कोट, यानी कह लो कि दो खानदान इत्थे आबाद सी इन्हां दोनों पिंडां च, और एक बाबे दादे दी औलाद सी। असीं पिंड दे विचों गुजर रहे हां, चंदा कोट पिंड अज भी अपनी पुरानी झलक दिंदा होया, अज भी फुल देहाती माहौल है इत्थे, और बड़ा खूबसूरत नज़ारा इन्हां इलाकों का। मेरा तो अक्सर आउण जाण हुंदा, अज मेरे वैसे ज़हन च आ गया, मैं कहा दोस्तों नूं नज़ारा करवाया जाए। सामने साडा गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल कोट चंद, ये स्कूल है जी मेरी लैफ्ट साइड पर। मैं राइट टर्न लिया, पिंड तो अगे टर्न लैके बाहर निकलांगे। पिंड दे अंदर दी जिहड़ी गलियां ने वो छोटियां ने, मैं बारो बार फिरनी तो घूम रहा क्योंकि गड्डी अंदर नहीं जान जा सकती, और मेरे नाल कोई कैमरामैन नहीं कि जिहड़ा मैं तुहानूं पूरा पिंड दिखा भी सकां। माजरत, यह असी लैफ्ट टर्न लिया जी, ये पिंड चंदे कोट तो असी निकले। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਧੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀਵਾ ਕੋਟ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਦੋ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਿੰਨ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜੀਵੇ ਕੋਟ ਦਾ ਔਰ ਚਾਂਦੇ ਕੋਟ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਂਦੇ ਕੋਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਫਿਲੋਕੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲੋਕੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਡ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੀੜੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਾਨ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੋਖਰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੋਖਰ ਮੰਡੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਸਬਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ, ਔਰ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ, ਚਾਂਦਾ ਕੋਟ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਚਾਂਦੇ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਸਨਸੈੱਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰੋਡ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀਵੇ ਕੋਟ ਨੂੰ, ਸੋਰੀ ਜੀਵਾ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਫਿਲੋਕੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਲੋਕੀ ਕਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫਿਲੋਕੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸੇਖੂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਰਲਾਣਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤਹਿਸੀਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਥਨੇਸਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਲਪਾਣੀ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ, ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਔਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹਿਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਲੋਕੀ ਕਲਾਂ ਔਰ ਚੰਦੇ ਕੋਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਝੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆ ਗਈ ਨਹਿਰ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਨਾਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਲਾਸਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨਹਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੱਧਰ ਫਿਲੋਕੀ ਕਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨੋਖਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟੇਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਨਹਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਗੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧੂ ਖਲੀਲ, ਪਪਨਾ ਖਾਵੜਾਏ 'ਚ, ਉੱਗੂ ਚੱਕ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਿਰਕਾਂ ਭਾਈ ਕੇ ਮਟਵਾਂ ਤੱਕ, ਭਾਈ ਕੇ ਮਟਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟੇਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਫਿਲੋਕੀ ਦਾ ਰਕਬਾ, ਔਰ ਫਿਲੋਕੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ।
जिस तरह कि मैं तुम्हें दस्या ये भी एक यूनियन कौंसल है और फिलो की यूनियन कौंसल भी तकरीबन 20 to 25 हज़ार की आबादी पर मोहित है और फिलो की पिंड की अपनी जी आबादी है वो राउंड अबाउट कोई 10-11 हज़ार पॉपुलेशन है बल्कि 10 हज़ार वोट रजिस्टर्ड है फिलो की पिंड का। और फिलो की कलां भी किसी दौर एक तजारती मरकज़ होया करता सी और इतों जी फैमलियाँ माइग्रेट करके गई वो बड़ी रिच फैमलियाँ सन उस टाइम उस समय बड़ी रिच फैमलियाँ सन वो लोग उस दौर अब्रॉड शाम मस्कत यूएई चो लोग जाके बिजनेस करते सी और अचानक 47 का भाणा वापरिया तो इन सारे लोगों नू जिहड़े इत्थे हसदे वसदे सी उन्हां दीआं खुशियां खिलखिलांदियां सी इत्थे उन्हां नू अचानक अपना कार बुआ अपनी जायदाद जमीन अपना सारा कुछ छड के ये मुल्क छड के जाना पिया ये देश छड के जाना पिया ये अपना पंजाब छड के जाना पिया। और दोस्तों ये फिलो की पिंड की आबादी शुरू हो गई। देखो कोई भी बंदा है उन्हें अचानक जो पता चले अपना घर बुआ छड के निकल जाए इतों वो ते की गुजरती होएगी ये वो ही जानन जिन्हें ये भाणा वापरिया। असी तो सिर्फ महसूस कर सकने हैं लेकिन वो तकलीफ जिहड़ी है वो उन्हां लोगों नूं पता उन्हां ते कीड़ी गुजरी है। अपने आलीशान महल छड़े अपने घर छड़े अपने जराने छड़े अपनी हर शह छड़ के ते इत्थों दोस्तां नूं जाना पिया इस तरह ही साढ़े पुरखियां नूं उधरों आना पिया। ते ये बड़ी एक अजीब जी जिहड़ी है गल है कि मैं इहनूं अपने लफ्ज़ां च बयान नहीं कर सकता मेरे कोल वर्ड नहीं है कि मैं उन्हूं किस तरह बयान कर सकां। बहरहाल साडा अज दा विलॉग सी एवें ज़ेहन च आया गुजरदिआं गुजरदिआं कि उन्हां दोस्तां नूं इस इलाके की सैर कराई जाए और मेरे अगे गड्डियां जा रही हैं। अजकल तरबूज का सीज़न है आई मीन दुआना सराइकी च मतीरा कहा जाता है और गर्मियों का बेहतरीन तोहफा बेहतरीन फल इंग्लिश वाटरमेलन और इस इलाके का दुआना इस इलाके का वाटरमेलन मतीरा कमाल अपने जायके बेमिसाल है। और ये जितों मैं गुजरे थे ये यूनियन कौंसल फिलो की कलां यूनियन कौंसल का ऑफिस भी है। असी टर्न ले लिया फिर मेन चौक की तरफ जिहड़ा फिलो की कलां का मेन चौक से। अगर मैनू चढ़दे पंजाब इस इलाके का कोई दोस्त सुन रहा हो उन्होंने बजुर्गों नू पता होगा इस चौक ये बड़ा मशहूर चौक से फिलो की कलां पिंड का तांगियां वाला चौक इनू कहा जाता सी यानी उस दौर यही सवारी होंदी सी सब तो बेहतरीन सवारी नहीं तो लोग पैदल सफ़र करते सी। ते तांगा एक ऐसी सवारी सी शाही सवारी कि जिनू जिहड़ा हर बंदे नू मयसर सी लेकिन हर बंदा फिर भी उहदे सफ़र नहीं सी करदा। साढ़े सुनने अंदर आया है कि बड़े रिच लोगों ने तांगे रखे होंदे सन घोड़ा तांगा और बड़ा उन्हों संवार के रखना बड़ा सजा के रखना और एक बेहतरीन सवारी सी साढ़े पंजाब की। मेरा पंजाब हसदा वसदा पंजाब सोहना पंजाब 47 का भाणा वापरिया पंजाब नू नज़र लग गई एक साजिश होई पंजाब नू दो टोटियां तकसीम कर दिता गया। ये असी पहुँच गए जी फिलो की कलां दे मेन चौक अंदर ए आ गया जी चौक तांगियां वाला। तांगियां वाला चौक तो जनाब मेरे राइट साइड ते पीड़ीशा रहमान जिधर एक गड्डी टर्न गई ए किला दीदार सिंह नू गया और ए सामने बिल्कुल मेरे ये चला गया जनाब नोखर मंडी नू रस्ता। इतों नोखर मंडी 1.5 किलोमीटर ते है और साडा व्लॉग इत्थे अज मुकदा इत्थे ख़त्म हो गया। मैनू दिओ इजाज़त मैं तुहाडा भरा तुहाडा वीर राणा गुलाम दस्तगीर इजाज़त चाहुंना फिर मिलांगे एक नवी वीडियो नवी कहानी दे नाल। रब रखा।